पे बैठ के वो फन वाला एक्सपीरियंस नहीं होने वाला लाइफ में जनरली कम एक्सपेक्टेशन रखती हूँ आई ट्राई नॉट है इलेक्ट्रिक शॉक्स रियली शॉक्ट मी अलॉट एनिमल स्टंट था एक हॉर्स के साथ था जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी होके भी ना होने वाली जो बात होती है कुछ वैसा रहा खतरों से जूझ के और आई थिंक बहुत सारा एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर क्रेज वाला फैक्टर लेकर शुमोना इज विद अस शुमोना कितना क्रेजी क्रेजी एक्सपीरियंस रहा क्रेजी क्रेजी एक्सपीरियंस रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था या आई थिंक ऑन द स्केल ऑफ वन टू टेन इट वॉज हंड्रेड ऑन टेन क्रेजी सो या Ramona, क्या सोच कर गई थी आप आ, हर एक चीज को लेकर बी एट द फीयर बी एट वहाँ पे जाकर एक्सपीरियंस करना हर एक से मिलना जलप करना ओवरऑल अगर जर्नी को समराइज करना हो किन शब्दों का उपयोग करेंगे wow, um, uh, किन शब्दों का मैं सोच रही वो शब्द हैं भी डिक्शनरी में एक्सप्लेन uh, डिस्क्राइब करने के लिए um, मैं ऑनेस्टली एडवेंचर करने का बहुत शौक़ था लेकिन एडवेंचर uh, किस लेवल तक जा सकता है <laughs> तो uh, लगा था थोड़ा सा फ़न करेंगे एडवेंचर करेंगे बट ऑनेस्टली uh, मेरे लिए पर्सनली आई एक बार जब शुरुआत हुई हमें लगा कि गाइज ये फन तो नहीं हो रहा ये मतलब वो वो रोलर कोस्टर पर बैठ के वो फ़न वाला एक्सपीरियंस नहीं होने वाला इसमें फटने वाली है बेसिकली एंड बट ऑनेस्टली इट वॉज बियॉन्ड एनी वंस इमेजिनेशन और एनी एक्सपेक्टेशन क्योंकि आप इमेजिन कर ही नहीं सकते कि ये आप कर सकते हो और ये हर बार जो स्टंट हमें करने पड़ते थे या किसी और को भी करना पड़ता था वी वुड लाइक हाउ लाइक हाउ डू यू

एंड आई रियलाइज हाउ टियली कैन बी एंड आई एम तो आपका माइंड और बॉडी और यू नो रोहित सर की आवाज़ सर का मोटिवेटे मोटिवेशन थोड़ा वक्त लगा सबसे गुल मिलने का थोड़ा सा मुझे वक्त लगता है क्योंकि आई एम लिटल बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट बट जब हुआ एंड यू रियलाइज यू नो लाइक माइंडेड पीपल निमृत नियति कृष्णा द गर्ल्स करण ऑल ऑफ दम एक्चुअली शालीन एवरी वन अभिषेक हम सब लाइक यू नो एक दूसरे के लिए खुश होना जब कोई स्टंट सक्सेसफुल होता था स्टंट में या जब नहीं कोई कर पाता था फुल्ली तो वी आल्सो फील वेरी सैड तो ऑफ कोर्स कंपटीशन है जीतना किसी एक ही को है बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब कंपटीशन में आके यू नो दे वॉज नो नेगेटिविटी विच वॉज अ ग्रेट थिंग सो और जो सारे स्टंट्स आप ऐसे गिनवा रही हैं <laughs> कौन सा ऐसा स्टंट रहा जिसने एकदम हाथ पैर फूल गए काफ़ी ऐसे <laughs> काफ़ी सारे स्टंट्स थे द इलेक्ट्रिक शॉक्स रियली शॉक्ड मी अलॉट एक एनिमल स्टंट था एक हॉर्स के साथ था जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी uh, सबसे ज़्यादा आई थिंक Actually, I don't know. मतलब अब कैसे like how do you compare a vegetable to an apple? You can't, right? But then they were all just difficult on their own level. But I think the horse stunt for me and in general the electric shocks were very shocking. और बहुत सारी दोस्ती भी देखने को हमें मिल रही है बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं आपने दोस्त तो कह रहे अब सारे ही हैं बट आई थिंक जो नज़दीकी uh, बनी है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड किया जस्ट जनरली ट्राइंग टू बी देर फॉर ईच अदर जो होता है क्योंकि आप जब शूट कर रहे हैं चालीस दिन के लिए आपके पास आपका फ़ोन नहीं रहता आप अपने पेरेंट्स या पार्टनर या फैमिली या फ्रेंड से नहीं बात कर सकते यार हम हैं तो इंसान ही सो आई थिंक इट वॉज लिटरली निमृत नियतील्फ कृष्णा हम लोग बहुत गुड बिल्कुल और आपकी आंखों में वो दृश्य भी हमें दिखाई दे रहा है हालांकि अभी एपिसोड आया नहीं है ना इट मेक्स यू री लिव इट और इसलिए मैं बहुत यू uh, नो you know, इंतजार कर रही हूँ एक्चुअली शो का ऑन एयर आने के लिए क्योंकि मैं खुद देखना चाहती हूँ क्योंकि खुद एक स्टंट करना और फिर अपने आप को वो यू you नो know, करते हुए देखना तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड तो ऑडियंस तो आई होप यू आर एक्साइटेड बट आई थिंक आई एम द मोस्ट एक्साइटेड और काफी सारी दुश्मनी भी देखने को मिल रही है हमें उस शो पर दुश्मनी हाँ हाँ नहीं, नहीं, अच्छा तो नहीं नहीं नहीं। नहीं। और आसीम एक ऐसे एलिमेंट रहे जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है और जानना चाहता है कि क्या वो चीज रही जो उनको इतना एरोगेंट बना रही है या फिर जो दृश्य सामने आ रहा है उसमें आपकी हालांकि जितनी बातचीत हुई क्या लगता है आपको किस तरह का किरदार है ऑनेस्टली कुछ ज्यादा हुई नहीं हेलो के अलावा एंड आई रियली डोंट हैव एनी थिंग दो सेवर आस एम क्योंकि आई जेनवली हमें हाई हेलो के अलावा हमने कुछ बातचीत की ही नहीं तो वक्त ही नहीं मिला बिफोर वट एवर हैपन्ई रियली डोंट नो आई मीन आई थिंक ही वॉज एंड रियली मतलब एक हो के भी ना होने वाली जो बात होती कुछ वैसा रहा सो अनफॉर्चुनेटली आई मतलब किसी के बारे में कुछ कमेंट करने के लिए भी कुछ तो एक बॉन्ड होनी चाहिए नो गुड बैड जो भी हो तो जहां कुछ हुआ ही नहीं बातचीत ही नहीं हुई मैं जानने का मौका ही नहीं मिला सो देन नो क्लू अनफॉर्चुनेटली सोमोना विट लाइक टू नो क्योंकि खतरों में हम आपको पहली बार इस तरह से ये पर्सनैलिटी आपका ये साइड देखने वाले हैं बट वॉट इज नेक्स्ट पीपल आर वेटिंग फॉर दैट फो पीपल इट विल भी खतरों के खिलाड़ी एंड देन आफ्टर दैट वेरी fiction समथिंग OTT नाइस फिक्शन स्क्रिप्टेड ओ टी टी वेरी और अगर जाते जाते आपसे जानना चाहें कि क्या एक वो एलिमेंट रहा जो आप में बदल गया आफ्टर दिस एंटायर जर्नी वॉट दैट वुड बी Uh, बदलने से भी ज़्यादा आई थिंक इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस एंड जस्ट एक्सेप्टिंग मैं कभी कभी ना खुद के लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाती हूँ बिकॉज आई एम ओवर थिंक तो आई थिंक सी अगेन आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई बदल तो नहीं गया है ऐसा नहीं कि मैं ओवर थिंक नहीं करने वाली हूँ बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम करूँ तो ओवर थिंकिंग को शायद थिंकिंग पे लेके आके एटलीस्ट लेट्स तो वो एक कोशिश रहेगी आई I मीन mean, हमेशा से जानती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा वो yeah. क्या कितनी उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि कितना लंबा सफर आपने तय किया है इस शो में एंड आप देखिए मजा ही मजा आएगा आपको <laughs> बिल्कुल हम आप देखेंगे कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा मुंबई